तब हम लोग टीन शेड के नीचे पढ़ाते थे, और टाट का बोरा हो गया, पुरानी दरी होती थी वो हम लोग शाम के समय झाड़ू लगा के बिछाते थे और उसी पे बच्चे बैठते थे। तो पहले कापियाँ पेंसिल अपने पास से देना होता था, लेकिन जब वहाँ बच्चे पढ़ने लगे और उनको नाइन्थ में एडमिशन कराओ तो एडमिशन फीस हो गई, मंथली फीस हो गई, इन सब में बड़ा खर्चा होता था। तो हमने सोचा क्यों ना अपना खुद का स्कूल चालू करें कि कम से कम इन सब चीज़ों से बचेंगे। इस्माइल का साथ और हम सब की मेहनत कि अब 450 बच्चे प्रेजेंट टाइम में हैं यहाँ पे। इस्माइल फाउंडेशन ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था AFC, जिसमें हमें फंड रेस करना था और हमें उसका फल में इस्माइल फाउंडेशन हमारी हेल्प करती थी। तो उससे अंदर हमारे अंदर भी एक उत्साह जागृत हुआ और लोगों ने हमारे काम को और हमारे बच्चों के काम को सराहा। जुपिटर एकेडमी ने शुरू में बच्चों की सिर्फ पढ़ाई और स्वास्थ्य की तरफ ही ध्यान दिया था, लेकिन धीरे धीरे जो वर्कशॉप करने से जो हमें फ़ायदा हुआ, वो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे वो भी बढ़े, और उसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हुआ, हमारा काम करने का जो क्षेत्र था वो भी विस्तार हुआ, हमने उसमें अब एनिमल्स को भी शामिल किया है। और इस सब में हमारे जो भी सबसे जो सफलता का जो सूत्र था वो वर्कशॉप्स थी जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो है विश्वास, नंबर दो प्यार, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे पे सहयोग की भावना, और खास बात है किसी भी काम को छोटा ना समझना, कूल माइंड होते हुए अपने टीम के सहयोगियों को आगे बढ़ाना, उनको हिम्मत बढ़ाना, जो टारगेट आपने उनको दिया है उसके साथ रहना, काम बांट देना ताकि किसी का कोई टेंशन ना हो। लीडर को हमेशा आगे सोचना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, फंड तो अपना आप ही बड़ा हो जाएगा।